महाराष्ट्र के अमरावती से भाजपा सांसद नवनीत कौर राणा ने बुधवार को AIMM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन पर बयान दिया। नवनीत राणा ने कहा कि अगर हैदराबाद में 15 सेकंड के लिए पुलिस हटी तो पता नहीं चलेगा कि दोनों भाई कहां गए। राणा का ये बयान अकबरुद्दीन की 2013 में दी गई स्पीच का जवाब माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दी जाए तो हम 25 करोड़ 100 करोड़ हिंदुओं को खत्म कर देंगे। नवनीत राणा बुधवार को हैदराबाद में भाजपा उम्मीदवार माधवी लता के लिए प्रचार करने के लिए गई थी। AIMIM विधायक अकबरुद्दीन ने 2013 में 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने वाला बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर 15 मिनट की पुलिस हटा दी जाए तो हम 25 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं को खत्म कर देंगे। दुनिया उसी को डराती है जो डरता है, दुनिया उसी से डरती है जो डराना जानता है। वो RSS हमें मुसलमानों से घृणा करते हैं क्योंकि वो 15 मिनट में भी हमारा सामना नहीं कर सकते। हैदराबाद में 13 मई को चौथे फेज में वोटिंग होगी। यहां से भाजपा ने माधवी लता को असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ उतारा है। भाजपा ने पहली बार हैदराबाद सीट में किसी महिला उम्मीदवार को टिकट दिया। हैदराबाद लोकसभा सीट 1984 से ओवैसी परिवार के पास है। असदुद्दीन यहां से 4 बार के सांसद हैं। उन्होंने 2004, 9, 14 और 19 में लगातार जीत दर्ज की है। उनसे पहले उनके पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी 1984 में लगातार यहाँ के सांसद रहे थे।